तो भटूरा आटा बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, नमक लिया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जितना आपको चाहिए, और 1 बड़ी चम्मच चीनी ली है और 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लूँगी और 2 बिग टेबलस्पून ऑयल लूँगी। सो पहले मैं अपनी चीनी और नमक इसमें मिला देती हूँ। मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ भटूरे बनाने के लिए कि आप 1-2 टेबलस्पून सूजी ले लें और उसको 10 मिनट के लिए भिगो के रख दें, क्योंकि ये भटूरे में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भटूरा क्रिस्पी होगा। फिर इसमें मैं 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा मिला देती हूँ, थोड़ा सा और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद अबाउट 2 टेबलस्पून मैं ऑयल मिला देती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा आटा क्रिस्पी, हाथों से अच्छी तरह मिला लेती हूँ ताकि ये ऑयल बिल्कुल जज़ब हो जाए। इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मल लें। आटा मैंने गूंद लिया 5 मिनट के लिए, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको इस ऑयल के साथ तकरीबन 5 मिनट और गूंदूंगी ताकि ये अच्छी तरह से नीटिंग की वजह से इस ये अच्छी तरह से आटा सही तरह से गूंद जाए। मेरा आटा तैयार हो गया है। मैं हमेशा ऐसे ऐसे प्लास्टिक के बैग से कवर कर देती हूँ मैं ऐसे, लेकिन आप लोग भीगे कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, लिड से भी कवर कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे कवर करती हूँ क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। इसको मैं 2 घंटे के लिए साइड पे रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से रेडी हो जाए। भिगोए थे अभी 1.5 घंटा हो गया, मैं पकाने के लिए रख रही हूँ। इसमें मैंने तेज़पत्ती डाली है, इलायची डाली है मोटी, बेकिंग सोडा 1 स्पून डाला है, सॉल्ट डाला है और अब इसको मैं अच्छी तरह से 1.5 घंटे के लिए पका लूँगी, क्योंकि रात से भिगोए थे तो ये जल्दी बन जाएंगे। आप अगर प्रेशर कुकर में करेंगे तो 1.5 घंटे में बन जाएंगे, नहीं तो अगर हंडी में करेंगे तो 1 घंटे में ये पक जाए। चीज़ें रेडी कर रही हूँ तो ये मैंने लिया है 1/4 स्पून हिंग, ये लिया है मैंने ड्राई मेथी जिसको मैं पाउडर करूँगी, ये मेरा मिक्स मसाला, ये चिली पाउडर, ये अनारदाना पिसा हुआ अनारदाना, ये थोड़ा गरम मसाला, ये मैंने धनिया हल्दी और करी पाउडर को मिक्स करके छोटा सा बनाया है, ये हल्दी पाउडर, ये खड़ा अनारदाना और ये सूखा धनिया, ये मेरा मसाला है जिसको मैं मिक्स कर लूँगी। मैं कभी मेथी को पाउडर भी बना देती हूँ और कभी ऐसे भी छोड़ के बस ऐसे मसल देती हूँ, पर ये सारी चीज़ें हमें मसाले के लिए चाहिए और सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक अपने मुताबिक सॉल्ट भी फिर ले लेना बाद में, क्योंकि हमने छोलों में भी ऐड किए हुए हैं साथ सॉल्ट, सो हम देख के अपने मर्जी के मुताबिक सॉल्ट डाल देंगे। मैंने तेल गरम कर लिया था और उसमें ब्लेंड करके 2 मीडियम साइज के प्याज को ब्लेंड करके डाल दिया है और इसको मैं हल्का सा सौटे कर लूँगी। तकरीबन 1.5 मिनट प्याज को सौटे करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 चम्मच अदरक एंड
गार्लिक का पेस्ट भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चार टमाटर का प्यूरी मैंने बस एक मिनट के बाद मैं टोमेटो प्यूरी ऐड कर दूंगी। अगर आप टोमेटो प्यूरी नहीं बनाना चाहते तो आप टोमेटो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और आसान भी है, तो मैं टोमेटो प्यूरी बना के डाल देती हूँ प्यूरी को। और कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए टोमेटो और गार्लिक के साथ, सॉरी गार्लिक और ऑनियन के साथ। तो इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे और पकाने के लिए रख देंगे कि ये अच्छी तरह से मिल के नरम सा पेस्ट बन जाए। अब दो मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया और चेक किया कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और दोबारा दो तीन मिनट के लिए हम दोबारा इसको ढक के रख देंगे ताकि ये हल्का सा पेस्ट बन जाए। इसके बाद जब ये पेस्ट बन जाएगा हम अपने मसाले ऐड करेंगे, और मसालों के बाद हम अपने छोले। सो मैं इसको दो तीन मिनट के लिए और ढक के रख देती हूँ। डाल दिए छोले, अलग कर दिए, पानी हमारा अलग हो गया। ये पानी बहुत न्यूट्रेटेड होता है क्योंकि इसमें सारे मसाले और छोले पके हैं, हम इस पानी को ज़ाया नहीं करेंगे। ये मेरा मसाला तैयार है, इसको हम रखेंगे पानी को, और छोले हमारे अलग है। जो कड़ा मसाला था वो मैंने इससे निकाल दिया है। टोमेटो प्यूरी अच्छी तरह से रेडी है, अब इसमें मसाले जो मैंने मिक्स किए थे वो डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाले और हमारी टोमेटो प्यूरी अच्छी तरह से मिल जाए। टाइम लगा के प्यार से हम इसको मिक्स करेंगे अबाउट थ्री टू फोर मिनट। और अगर हमें लगे कि मसाला जल रहा है या नीचे लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा वही छोलों वाला पानी भी ऐड करके जाएंगे, लेकिन भूनने में अच्छी तरह से टाइम लगा दें। मसाले को जितना मसाला आप अच्छा भूनोगे इतने आपके छोलों का टेस्ट नाइस और अच्छा आएगा। सो जब मुझे लगता है कि ये नीचे लग रहा है या थोड़ा सा थिक हो रहा है तो मैं इसमें वही छोलों से निकला हुआ पानी वो थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐड करती जाती हूँ और इसको पकाती जाऊँगी। इसकी खुशबू पागल कर देती है, इतनी नाइस खुशबू है। अभी मेरे सारे बच्चे उठ के नीचे आएंगे मैं ये नाश्ते के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से हॉलीडेज हैं, हम सब लॉकडाउन में हैं तो बच्चे सारे घर में हैं। मैंने कहा चलो सुबह सुबह इनको छोले भटूरे खिलाती हूँ, तो और सब ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं उर्दू में ब्लॉग बनाऊं। हम पठान लोग हैं, हमारी उर्दू इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके मैं उन सबको खुश करती हूं जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मुझे रिक्वेस्ट करते हैं। अगर वो कहते हैं पश्तो में ब्लॉग बनाओ तो मैं पश्तो में बना लेती हूँ, अगर आप लोग कहते हो कि उर्दू में बनाओ मैं उर्दू में बना लेती हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सारी ज़बानें हमारे मुल्क की हैं और हमें इन सब ज़बानों को इस्तेमाल करना चाहिए। पर सॉरी अगर कभी मेरी उर्दू अच्छी ना हो या कुछ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारी फर्स्ट ज़बान पश्तो है। अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही नाइस पेस्ट बनता जा रहा है, और अगर प्यूरी थोड़ी सी कड़ी थी तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता से नरम होती जा रही है। ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जितना आपका मसाला भुना जाएगा उतने आपके छोले नाइस और टेस्टी होंगे। तो इस वक्त मसाला भुनने में आप ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगी, क्योंकि जो लोग मसाला भुने बगैर छोले बना लेते हैं उसमें अजीब किस्म का खट्टा खट्टा टेस्ट आता है और वो टेस्ट नहीं होता
जो कि असली छोलों का होना चाहिए। जब आपको लगे कि ऑयल निकलने लगा है, अब आपकी प्यूरी तकरीबन रेडी है। और इसमें अब हम अपने छोले ऐड कर लेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, अगर आपको वो जो काला काला रंग होता है छोलों का वो चाहिए, तो आप ज़रा गरम मसाले का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा कर लेना, क्योंकि उसके इस्तेमाल से आपका कि छोलों का रंग ज़्यादा काला काला हो जाता है। लेकिन मेरे घर में काले से छोले छोलों का रंग नहीं पसंद करते, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा काले ना हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा गरम मसाले का थोड़ा एक चम्मच और ज़्यादा डालेंगे, तो इनका रंग काला काला सा हो जाएगा। मैं अपना पानी इसके अंदर डालूंगी। मेरे बच्चे आ गए हैं अब अंदर उस इसके। I don't think that's how it's okay। ये अब मुझे उर्दू सिखाने आई है गोरी। कहती है ऐसे नहीं कहते कि पानी इसके अंदर डालेंगे। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से ढक के तैयार है। अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। इस साइज के पेड़े बनाऊंगी। और मैं ऑयल से पेड़ों को बेल करूंगी, क्योंकि जब आटा लगाते हो तो उसका वो बुरा बुरा सा आता है और वो मुंह में अच्छा नहीं लगता, और आटा फूलता भी नहीं है। सो मैं ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना के ऑयल से बेल के आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये बेल लिया है अपना पूरी, और अब इसको मैं ऑयल को अच्छी तरह से देख लें कि ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म हो। अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो आपका पूरी आपकी भटूरा या पूरी जो भी है वो आपकी फूलेंगी नहीं। लुक एट दैट, Somebody said, are you Pathoray? Is that a caste? Pathwari, mare. Oh, Pathwari. No, we know Pathwari. We are Pathan. We're This is a banging Pathoray. Mission accomplished, Adma. Yeah, that's my Pathoray. Every time, and guys, every time mom cooks something, right, or whatever, somebody comes in and she's like, is that all you cook? Okay, let's see. Show my... Oh, look at this. Show my family. That's chole, huh? That's chole. I smash a little bit, just a few chole. It's really nice. This isn't hot. That pan don't go hot. Look at this. That's so cool. So I'm gonna smash it like that.
So it's a proper chole for the bature. So all mere sare bature taiyar hai, mere chole bhi taiyar hai, sare phis gaye hai, aadhe phis gaye aadhe nahi. Sorry. And abhi isko main 5 minute ke liye lid ke andar tez aanch pe rakh dungi aur phir main isko green chili and green dhaniya se garnish karungi. So अभी मेरे छोले तैयार. अब इसको मैंने गार्निश कर दिया धनिये और सब्ज़ मिर्च से. The other way, Hakim. ये मेरे छोले तैयार हैं और ये मेरे भटूरे छोले भटूरे. I hope you like my recipe and please comment and subscribe my channel and leave your comments that you like my recipe or no. Join me on my Instagram, Sabiha Ara Khan. I put the link below. Also my TikTok as well. And see you soon. Bye. Thank you.